हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर बॉय राजन एंथोनी। कौन है भाई ये हिडनबर्ग? हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट क्या फेंका, गौतम अदानी जी जो टॉप 10 रिचेस्ट मैन थे वहां से डायरेक्ट निकलते निकलते आज 17 पे आ गए। ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर्स लॉस हो गया। 100 बिलियन मतलब लगभग 7.5 लाख करोड़ के आसपास। हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी क्या है बाय द वे? ये एक रिसर्च कंपनी तो है, फाइनल एनालाइज कंपनी तो है, और एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी है। ये कंपनी 2017 में फॉर्म हुआ था और ये यूएसए बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी का फाउंडर है नादन एंडरसन, जो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, CFA, और इन्होंने और एक डिग्री कंप्लीट किया है, चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, CAIA। इनका एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैनिकेट से हुआ है, यूएसए। अदानी ग्रुप्स को टारगेट करने से पहले 17 कंपनी को टारगेट किया था। और एक बात यह है कि इनका 75% एक्यूरेट। इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिक किया है, वो आर्टिकल में ऑलमोस्ट इन्होंने 2 साल के भी ऊपर इन्होंने काम किया है। एक कंपनी में 2020 में खाली 5 एम्प्लॉय थे और अभी भी ऑलमोस्ट 9-10 एम्प्लॉय से खाली का है। वो आर्टिकल का नाम है हाउ द वर्ल्ड इज थर्ड रिचेस्ट मैन पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। दुनिया का थर्ड रिचेस्ट मैन दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ऐसा इनका बोला जाना है। इनका एलिगेशन ये है कि ये स्टॉक मैनिपुलेट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, थीफ ऑफ टैक्स पेयर के फंड पे घोटाला कर रहे हैं, ऑफशोर मतलब इनका आउट ऑफ कंट्री लाइक मॉरिशियस, कैरेबियन आइलैंड, दुबई, ऐसा काफी सारी कंपनीज है जो फेक कंपनीज है। इनका पूरा शेयर 85% ओवर वैल्यूड है। पिक्चर देख सकते हो, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, इसमें गौतम अदानी ग्रुप्स को पूरा उनका फैमिली हैंडल करता है। लाइक आप ये पिक्चर देख सकते हो, विनोद अदानी उनका जो बड़ा भाई है वो एक मॉरिशियस में कंपनी चलाते हैं, भले वो एक फ्रॉड कंपनी ऐसा बोला जाता है, फेक टर्नओवर के लिए वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो ये कर रहे हैं। अंबानी जी अपना फंड ट्रांसफर करते हैं अदानी फैमिली प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट एंड कंपनी, और वो कंपनी जाती है मॉरिशियस फंड एंड शेयर इंटरनेट, और वही फंड वापस अदानी ग्रुप लिस्टेड स्टॉक में जो मैनिपुलेट होता है, और वापस वो फंड जाती है अदानी फैमिली ऑफशोर ट्रस्ट एंड कंपनीज में। इस तरह वो स्टॉक मैनिपुलेट करके अपना स्टॉक को ओवर वैल्यू बना रहे करके बोल रहे हैं। यही 10 साल पहले गौतम अदानी जी वर्ल्ड के रिचेस्ट 600 प्लेस पे थे, 600 नंबर पे थे, और इस 10 साल में इन्होंने वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट मैन तक आ गए थे। इन्होंने पूरा 10 साल में 100 बिलियन कमाया और लास्ट के 3 साल में 120 बिलियन डॉलर से भी ऊपर कमाया। 10 साल में 100 बिलियन और वापस 3 साल में 100 बिलियन से भी ज्यादा, जो उनको टॉप वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट मैन में भी उनका नाम आ गया था। और ये हिडनबर्ग कंपनी छीना ठोक के ये भी बोल रही है कि हम पे केस करो, हम केस लड़ने को रेडी है, क्योंकि हमारा हर चीज विद एविडेंस है। गौतम अदानी ग्रुप्स के जो लीगल टीम ने जब इन्होंने बोला कि ये इनको कोर्ट में देखेंगे, तो उनका ये रिप्लाई था ब्रिंग इट ऑन। हिडनबर्ग का रिपोर्ट सही है? कमेंट बॉक्स में बताओ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो गाइस। अब वीडियो देखते हो पर बहुत जन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करो गाइस, शेयर करो, लाइक करो। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, टेक केयर, बाय बाय।